नमस्कार, आप देख रहे हैं जम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की। ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई में यस बैंक डीएचएफएल केस में दो बिल्डरों की 415 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में पहले से ही कार्रवाई चल रही है, लेकिन बुधवार की घटना बड़ी है। इस फ्रॉड से जुड़े दो बिल्डरों की 415 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इसी मामले में एक दिन पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर को जब्त किया था। ईडी ने जिन लोगों पर कार्रवाई की है उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का भी आरोप है। डीएचएफएल फ्रॉड केस को देश का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जाता है। जिन दो बिल्डरों की संपत्ति जब्त की गई है उनमें संजय छाबड़िया और अविनाश भोसले का नाम शामिल है। दोनों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। यस बैंक डीएचएफएल फ्रॉड का मामला 34,000 करोड़ रुपए का है। संजय छाबड़िया रेडियस डेवलपर्स के प्रमुख हैं, जबकि अविनाश भोसले एबीआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख हैं। इन दोनों बिल्डरों की गिरफ्तारी यस बैंक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड केस में पहले ही हो चुकी है। देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के इस केस में 34,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस फ्रॉड केस में 17 बैंकों के कंसोर्सियम का पैसा डूब गया है, जिस कंसोर्सियम को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई पहले से ही अपना जांच कर रहा है। पिछले हफ्ते सीबीआई ने एक कार्रवाई में पुणे में अविनाश भोसले की एक प्रॉपर्टी पर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर पाया था, जिसके बाद उसे जब्त कर लिया गया था। बुधवार को मुंबई के सेंटा क्रूज में 116.5 करोड़ रुपए की एक लैंड पार्सल छाबड़िया की कंपनी के 25% इक्विटी शेयर वाले बेंगलुरु में स्थित 115 करोड़ के एक लैंड पार्सल सेंटा क्रूज में 3 करोड़ रुपए एक और फ्लैट छाबड़िया से संबंधित दिल्ली हवाई अड्डे पर एक होटल जिसकी कीमत 13.67 करोड़ रुपए है और संजय छाबड़िया की 3.10 करोड़ रुपए की 3 हाई एंड लग्जरी कारें जब्त की गई। इसके अलावा अविनाश भोसले की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। मुंबई में 102.8 करोड़ का एक डुप्लेक्स फ्लैट, पुणे में 14.65 करोड़ की एक लैंड पार्सल, पुणे में ही 29.24 करोड़ की एक और लैंड पार्सल, नागपुर में 15.52 करोड़ का फ्लैट और नागपुर में ही 1.45 करोड़ का प्लॉट ईडी ने जब्त किया है। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।